Hello friends, hope you are all doing good. Main hu Dr. Ranjeeta. I have been in this profession for last 10 years and I am fond of study and the teaching is my passion. So I have done my LLM, PhD all in law and I have completed my UGC NATO in law itself. So for that purpose, I have got a queries from a lot of students that or they have suggested me to start a particular lesson or a channel on which are dealing with the subjects of UGC NET. So I'm working on it and very lately you will be going to get about it. So please do subscribe the channel and click on the notification button so that you will get know about it as soon as वीडियोज आर बीन अपलोडेड. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस टू मेंस्ट्रिया के बारे में. एक्सेप्शंस टू मेंस्ट्रिया लास्ट क्लास में हमने किया था. मेंस्ट्रिया क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो हम लोग क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए दो चीज़ की बात किए थे हम लोग लास्ट क्लास भी कि एक एक्टस रियस होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए मेंस्ट्रिया और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी हमारा क्राइम एग्जिस्ट करता है. लेकिन देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जहाँ पे हमारा मेंस रिया के एब्सेंस में भी जस्ट एक्टस रियस होने से ही वो क्राइम कहलाता है. तो वो है हमारे एक्सेप्शंस टू मेंस रिया. एक्सेप्शंस टू मेंस रिया को रखने का कारण क्या है कि हमारा स्टेट की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो दो चीज़ को देखे. एक तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड सेकेंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. So there are certain offences which are being declared as a strict liability. As of strict liability means that कि वो ऐसे कुछ offences हैं जो आप guilty mind के साथ करें with intention करें या without intention करें आप वो offender आप कहलाएंगे ही. क्योंकि ये चीज़ या तो public welfare के concept में या क्रिमिनल लाइबिलिटी को रोकने के लिए और लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये एक्सेप्शंस क्या है अगर आप सिर्फ आईपीसी को ही लेके चलते हैं तो यू विल फाइंड दैट इन आईपीसी देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस विच आर बीन टॉकिंग अबाउट विच डजंट नीड्स अ मेंस रिया एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया. दो अगर हम लोग एक तरह से देखें तो आईपीसी में कहीं पे भी एक्सप्रेसली वर्ड मेंस्ट्रिया का मेंशन नहीं किया गया है. ये अलग अलग वर्ड्स के यूज़ से हम लोग निकालते हैं कि यहाँ से मेंस्ट्रिया है. दैट मीन्स वर्ड्स यूज्ड इन द वेरियस सेक्शंस यू विल फाइंड द वर्ड्स लाइक वॉलंटरिली फ्रॉडुलेंटली दीज आर द वर्ड्स विच रिवील्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस्ट्रिया और एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रिया इज़ देयर इन द इंडियन पेनल कोड बट इट हैज़ नेवर नोवेयर बीन एक्सप्रेसली in this code that the word mens rea. Now come down to the exception. Just look into the some of the sections are an example like section say for example section 232 that is talking about of IPC that is talking about counterfeiting coin. Counterfeiting coin अगर आपको पता है कि ये एक नकल कॉइन आपके हाथ में है नोट है वो आपको पता है कि वो आपका नकली है और फिर भी आप चाहते हैं किसी और को वो दे दे तब तो आप ऑफेंडर हैं ही क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस रिया एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आप लायबल हैं क्योंकि ये सेक्शन जो है ये स्ट्रिक्ट नेचर का होता है. इस तरह की कंडीशंस में मेंस रिया प्रूफ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इस तरह से इंटायर पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा. इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में रखा गया है. उसी तरह सेक्शन 359 या 363 को ले लीजिए जो कि है कंसेप्ट ऑफ kidnapping and abduction. Kidnapping and abduction irrespective of whether there is an intention or not intention है या नहीं है ये एक offence है. तो इस तरह से कुछ ऐसे sections हैं like हमारा waging war हो गया sedition हो गया इस तरह के कुछ ऐसे section इसमें IPC में ही हैं जो आप पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी तरह स्ट्रिक्ट नेचर का है और ये सारे सेक्शंस में ये आर दीज आर द एक्सेप्शंस टू मेंस रिया. द सेकेंड एक्सेप्शन टू द मेंस रिया एज जस्ट नाउ हैव सेड मैंने पहले भी बोला कि जो भी स्टैट्यूट्स हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले स्टैट्यूट्स हैं
जिसमें स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात की गई है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे इनैक्टमेंट हैं जो पूरी तरह स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, जैसे आर्म्स एक्ट. अगर हम आर्म्स एक्ट की बात करें तो आपके पास अगर कोई भी आर्म्स है और उसके लिए आपने लीगली लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, तो चाहे आप वो अपनी रक्षा के लिए, इफ़ यू हैव केप्ट इट जस्ट फॉर अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ योरसेल्फ, बट इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस. उसी तरह और कुछ एक्ट हैं जैसे NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बात करता है. तो किसी भी ड्रग्स का जो कि यहाँ पे डिफाइंड है, उसका कुछ क्वांटिटी भी अगर आपके पास रहता है, इररेस्पेक्टिव आपको उसका पता है नहीं या नहीं है, आप उसको अपने यूज़ के लिए रखना चाहते हैं या किसी को कमर्शियली उसको बेचना चाहते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है. इफ़ द ड्रग्स इज़ देयर इन योर पोजेशन, यू आर लाइबल. तो इस तरह के जो इनैक्टमेंट्स हैं, इस तरह के जो स्टैट्यूट्स हैं, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, वहाँ पे मेंस रिया इररिलेवेंट है, वहाँ पे मेंस रिया प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर एक्टस रियस है तो वो ऑफेंस है. थर्ड एक्सेप्शंस टू मेंस रिया इज द कंसेप्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ. द थर्ड कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द मैगजीन, ये एक मैगजीन पे डिपेंड है, वो है इग्नोरेंसिया Excuset, ignorancia, juris, non excuset. तो इग्नोरेंसिया फैसेट एक्सक्यूसर, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसर. यहाँ पे देखिए वर्ड्स इग्नोरेंसिया, इग्नोरेंसिया का मतलब होता है इग्नोरेंस, यानी आपको अगर पता नहीं है, आपकी अगर जानकारी नहीं है फैक्ट की, तो उसके लिए आपको माफ़ किया जा सकता है, वो आपको एक एक्सक्यूज़ की तरह मिल सकता है. लेकिन अगर आप ये भी लेते हो कि आपको लॉ का ही पता नहीं है, जूरिस का पता नहीं है, तो वो आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ. इसके लिए एक लीडिंग केस है, आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानकारी भी होगी कि एक लीडिंग केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एमीच जॉर्ज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज. ये एक केस था जहाँ जिसमें एक व्यक्ति था जो मनीला से आ रहा था और ऑन द वे ही वॉज कैरिंग अ गोल्ड. बट इन द मीन टाइम RBI ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ था कि कोई भी इस तरह से गोल्ड एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट थ्रू द कंट्री, दैट मीन्स थ्रू इंडिया, इज नॉट अलाउड. लेकिन उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब तक ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था, ही वॉज टेकिंग अ प्ली दैट ही वॉज ऑलरेडी इन द बोट, सो ही वॉज अंडर ट्रांजिट. वो उस समय जर्नी में था, तो उसको पता नहीं था. तो उसने ये प्ली लिया, इसके पास ये जब इंडिया पहुँचता है, इसको फेरा के अंतर्गत, फॉरन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इसको पकड़ा जाता है. लेकिन वो वहाँ पे प्ली लेता है कि मुझे इस लॉ की तो जानकारी नहीं थी, तो फिर मैंने कौन सा गलत काम किया. तो यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि इसमें सबसे पहली बात, आप ये एक ऐसा नेचर का काम है जो कि स्ट्रिक्ट है, और आप जब इस तरह की प्ली ले रहे हैं जो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, वो हम लोग किसी को भी नहीं दे सकते. क्योंकि अगर एक व्यक्ति को ये प्ली मिल जाता है कि उसे लॉ की जानकारी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी, और उस प्ली को लेते हुए वो कोई भी क्राइम कर सकता है. तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक को आप एज अ प्ली नहीं ले सकते हैं, और ये एक एक्सेप्शन है मेंस रिया के लिए. इसके अलावा और भी दो हैं, जैसे आपका नेक्स्ट फोर्थ एक्सेप्शन है आपका पब्लिक न्यूसेंस. न्यूसेंस हम लोग अच्छे से जानते हैं न्यूसेंस क्या होता है. न्यूसेंस मीन्स व्हाट? न्यूसेंस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी बीन डन बाय द अदर पर्सन व्हिच
doesn't allow the person to live his life the way he wanted to or with a peaceful and safe life. Suppose मैं ये nuisance जो है ये civil wrong भी है और crime भी है. जब इसमें कुछ या एक या दो व्यक्ति affected होते हैं तो nuisance जो है वो civil wrong कहलाता है और जब वो उसमें एक से ज़्यादा लोग या society affected होते हैं तो उसको public nuisance कहा जाता है. तो एक example लीजिए, suppose एक घर है और उसके बगल में एक बड़ा सा apartment है. तो अपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, रोज अपने घर का कचरा उठा रहे हैं और डाल दे रहे हैं उस घर के छत के ऊपर. तो इस तरह से वो घर के छत का या घर का जो मालिक है या फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ये बेसिक राइट है वो कि साफ़ सुथरे ढंग से अपने घर में आराम से रह सके. वो तो वो नहीं रह पा रहे दूसरे की एक्टिविटी की वजह से. तो ये एक तरह का न्यूसेंस हुआ. तो ये न्यूसेंस हुआ लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, सिर्फ उस घर के मालिक के ऊपर. तो ये हो गया प्राइवेट न्यूसेंस. लेकिन यही एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ एक व्यक्ति के घर में शादी है और वो जाके बाहर वाले रोड में ही पूरा एकदम पंडाल बना देता है और उससे आना जाना सब बंद हो जाता है. तो पूरे उस लोकेलिटी के लोगों के घर के ऊपर इफ़ेक्ट आता है और सारे लोगों को अलग रूट लेना पड़ रहा है या नहीं जा पा रहे, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं. तो इस तरह का अगर एक्टिविटी कोई करता है इट इज़ नोन एज पब्लिक न्यूसेंस. तो सिविल न्यूसेंस के लिए, प्राइवेट न्यूसेंस के लिए हम लोग टॉट का रिजॉर्ट लेते हैं, लेकिन सिविल पब्लिक न्यूसेंस के लिए हमारे पास सेक्शन 268 है IPC का, जो कि बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के लिए. सो पब्लिक न्यूसेंस हमेशा एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है और ये एक पब्लिक ऑफेंस है और इसके लिए हमको कोई मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये मान लिया जाता है कि हर व्यक्ति को इस ड्यूटी के बारे में पता है कि वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता है और कोई भी एक मेंस रिया के एब्सेंस का, इंटेंशन के एब्सेंस का प्ली नहीं ले सकता है. सो 268 ऑफ IPC एज द पब्लिक न्यूसेंस हैज़ बीन डिफाइंड, that is also an exception to mens rea. Apart from that, there are certain other things like those are very petty in nature. Next exception ho gaya petty offences. Petty matlab ekdam chote chote trivial offences jo hai, जिनको मतलब अब अगर काउंट भी नहीं भी करेंगे तो चलेगा और अगर उसमें हम लोग मेंस रिया को प्रूफ करने में लग जाए तो इसका बेसिक चीज़ ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, इसका बेसिक पर्पस ही फ्रस्ट्रेटेड होगा. जैसे आप पार्किंग करने जाते हैं, आप रॉन्ग पार्किंग करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम मेंस रिया को प्रूफ करने में लग जाएंगे तो वो ऑफेंस कभी भी उसका बेसिक पर्पस क्या था कि लोग इस तरह की गलती ना करें, उसके लिए उनको कुछ फाइन देना पड़ रहा है. तो इस तरह के कंडीशंस में, ये पेटी ऑफेंसेस में हम लोगों को मेंस रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक्सेप्शंस टू मेंस रिया है. तो अब हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है. हमें पता है कि IPC अप्लाई करने के लिए या क्रिमिनल IPC अप्लाई करने के लिए भी, क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक मेंस फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा मेंस रिया, दैट इज़ गिल्टी माइंड. और ये पूरा कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अ मैगजीन एक्टस फ्यूम नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, जो हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जहाँ पे मेंस रिया और गिल्टी माइंड फिजिकल एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों का कम्बिनेशन होता है तभी मेंस रिया होता है. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शंस टू मेंस रिया हैं, जैसे अगर कोई कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, जो कि सेक्शन 232, सेक्शन 36 किडनैपिंग, एबडक्शन, वेजिंग वॉर, ये सब जो कंसेप्ट है IPC के, ये आपके मेंस रिया के एक्सेप्शन में आते हैं. अगर कुछ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्टैट्यूट्स हैं, जैसे NDPS एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, इस तरह के एक्ट जो हैं वो आपका स्ट्रिक्ट नेचर के स्टैट्यूट है और उसमें हमारा मेंस रिया एब्सेंट भी होता है तो भी वो ऑफेंस कहलाता है, ये एक्सेप्शन में आता है. थर्ड है जो पेटी ऑफेंसेस हैं उसके लिए है. फोर्थ है पब्लिक न्यूसेंस, जो कि IPC में ही प्रोवाइड किया हुआ है. पब्लिक न्यूसेंस में हमें कोई मेंस रिया की ज़रूरत नहीं होती है प्रूफ करने की, तो ये एक्सेप्शन टू मेंस रिया है. और इसके अलावा है अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, अगर प्ली लेते हैं कि मुझे लॉ की जानकारी नहीं है, तो वहां पे हमको ये प्ली नहीं मिलेगा. तो ये है एक्सेप्शंस टू मेंस रिया. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डील विद द जनरल एक्सेप्शंस. एक क्लास में हम लोग सिर्फ याद करेंगे कैसे सेक्शन 76 से 106 को वी कैन मेमोराइज, वी कैन कीप इन योर माइंड. सो विथ सर्टेन स्टोरी लाइन्स और विथ सर्टेन
कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स रिलेटेड हम लोग उसको किसी किसी घटना के साथ रिलेट करेंगे, किस सिचुएशन से रिलेट करेंगे और उसको अपने माइंड में रिटेन करने की, याद करने की कोशिश करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी विथ अस. थैंक यू.